नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन त्यागी है। रात में दोस्तों हम यहीं रुके थे भारती पैलेस में टीकमगढ़ घूमने के बाद, और आज दोस्तों हम ओरछा जा रहे हैं। ओरछा के लिए सबसे पहले हमें बस स्टैंड जाना होगा। बस स्टैंड यहाँ से सामने ही है। दोस्तों आपको जो बस नज़र आ रही है यहीं पर बस स्टैंड है। दोस्तों जो गेट दिख रहा है यही है बस स्टैंड का। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं और बस पकड़ते हैं। अब गेट देख रहे हैं, टीकमगढ़ बस स्टैंड का गेट है और झांसी ओरछा के लिए बसें इधर खड़ी होती हैं। भाइयों आपको जो सामने बस नज़र आ रही है वो झांसी वाली बस है और झांसी वाली बसें ओरछा होकर जाती हैं। अब हम इसी में बैठ रहे हैं भाई। ये बस 9 बजे चलेगी, अभी लगी हुई है और अभी खाली ही बस पड़ी हुई है। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए चढ़ते हैं। बैठ गए हैं भाइयों, अभी 9:10 है और ये गाड़ी 9 बजे चलेगी और ओरछा यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। चल दिए भाइयों गाड़ी सही, एकदम 9 बजे गाड़ी निकल ली है हमारी। दो टिकट और छा। ये भाइयों बुंदेलखंड रीजन है और आपको यहाँ पर पहाड़ी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। बुंदेलखंड रीजन में भाइयों पहाड़ी तो आपको खूब देखने के लिए मिलेंगी। लगभग पूरे बुंदेलखंड में ही पहाड़ी की कमी नहीं है, यहाँ पर पानी की कमी है। हालांकि बुंदेलखंड प्राकृतिक रूप से बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले भाइयों ये एक पृथ्वीपुर नाम की जगह पड़ी है जो छोटा सा कस्बा है। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं ओरछा और टीकमगढ़ से हम लगभग 9 बजे चले थे और इस समय 11:30 का समय हो रहा है और लगभग वही 2.5 घंटे का समय लगा है हमको यहां पहुंचने के लिए। और हम यहीं पर उतरे हैं जिस बस से आए थे। जो हम इस चौराहे पर उतरे हैं बस से और इधर किले के लिए जाता है और इधर वाला जो रोड है ये राम राजा मंदिर के लिए जाता है। और अब हम सबसे पहले राम राजा मंदिर की साइड ही जा रहे हैं। मंदिर परिसर में जाने से पहले ये गेट मिलता है और यहाँ पर भगवान श्री राम राजा के रूप में स्थापित हैं। यहाँ पर जय राम राजा सरकार भगवान श्री राम को बोला जाता है। सामने दोस्तों जहाँ पर आपको ये पीला झंडा नजर आ रहा है इसी को बोलते हैं श्री राम राजा सरकार जी। अब हम उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इधर से है जाने का रास्ता जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इधर लिखा भी हुआ है मंदिर जाने का रास्ता। यही गेट है भाइयों श्री राम राजी जी के परिसर के लिए। चलिए दोस्तों एंटर होते हैं। है
यहाँ पर भाइयों भगवान श्री राम जी के मंदिर की कुछ समय सारणी दी गई है, वो आप इस समय देख सकते हैं। भाइयों इस वक्त हम इस श्री राम राजा सरकार जी के मंदिर में हैं। ये मुख्य परिसर है मंदिर का। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर से आप फोटोग्राफी या वीडियो ले सकते हैं। दोस्तों श्री राम राजा सरकार जी की कहानी बुंदेलखंड के राजा मधुकर शाह एवं रानी गणेश कुमारी से जुड़ी है, जिसमें राजा मधुकर शाह जी श्री कृष्ण के भक्त थे एवं रानी भगवान श्री राम जी की भक्त थी। दोस्तों इस वक्त जहां राम राजा सरकार जी विराजमान हैं, यह गणेश कुमारी जी का महल था। और दोस्तों जो इस मंदिर का गर्भगृह है वह इस महल की रसोई थी, लेकिन मधुकर शाह जी ने भगवान श्री राम की स्थापना के लिए एक भव्य एवं विशाल मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे चतुर्भुज मंदिर कहते हैं, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन आज की डेट में यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। दोस्तों राम राजा सरकार जी की पूरी कहानी विस्तार से आप इसी वीडियो में श्री राम जी का म्यूजियम देखने के बाद जानेंगे। दोस्तों मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो श्री राम राजा जी सरकार मंदिर है। उसको घूमने के बाद अब हम यहाँ पर आए हैं श्री राम राज, ये श्री राम जी का म्यूजियम है। चलिए दोस्तों इसमें प्रवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रवेश करने के लिए 10 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट लेना पड़ता है। हमने टिकट ले लिया है और अब हम इस म्यूजियम के अंदर दोस्तों प्रवेश कर रहे हैं। आपको अब इस म्यूजियम को घुमाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री राम के राज्य के विभिन्न चित्रण को दर्शाया गया है। यहाँ पर दोस्तों इस वक्त ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर जिस समय भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था उस समय की एक झांकी को यहाँ दर्शाया गया है। राज्याभिषेक की झांकी में दोस्तों भगवान श्री राम माता सीता जी के यहाँ पास साथ विराजमान है और इधर विभिन्न देवी देवताएं देवता भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक में शामिल हुए और इधर भगवान जामन जी और उस समय के महापुरुष इस राज्याभिषेक में शामिल हैं। श्री राम जी का राज्याभिषेक वाला चित्रण देखकर दोस्तों अब हम अगली गैलरी में दाखिल हो रहे हैं। इसके अंदर भी भगवान श्री राम जी के जीवन से जुड़े विभिन्न तथ्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है मूर्तियों के माध्यम से। इस मूर्ति में भाइयों भगवान श्री राम जी की जटायु जी से भेंट दिखाई गई है और यहाँ पर जब लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी उस समय का चित्रण दिखाया गया है। इस चित्र में दोस्तों भगवान श्री राम द्वारा जब राक्षस सेना का संहार किया गया तो वो दृश्य दिखाया गया है। इस चित्र में दोस्तों सबरी जी से फल ग्रहण कर रहे हैं प्रभु। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री राम एवं सुग्रीव जी की मुलाकात को दर्शाया गया है। इस चित्र में जब रावण ने भगवान श्री राम के पास सूत को भेजा था तो उस समय के चित्रण को दर्शाया गया है। इसमें दोस्तों भगवान श्री राम ने लंका को चारों तरफ से घेरने की योजना एवं रावण वध की योजना बनाई थी उस समय का चित्रण यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस चित्रण के अंदर अंगद के विभिन्न पराक्रमों को दर्शाया गया है, जैसे रावण की सभा में गए थे और भगवान श्री राम से मुलाकात। दोस्तों इस समय जो आप ये चित्रण देख रहे हैं इसमें भगवान श्री राम और मकराज के युद्ध का चित्रण दर्शाया गया है। भाइयों भगवान श्री राम जी का म्यूजियम घूमकर अब हम वापस आ गए हैं और जैसे ही म्यूजियम घूमकर आप बाहर आते हैं तो सामने जो इधर जो सीढ़ियां दिख रही हैं वहां से चतुर्भुज मंदिर है। अब हम चतुर्भुज मंदिर के लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यही चतुर्भुज मंदिर है, अब हम इसी के लिए जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम जो मेन चतुर्भुज मंदिर है ओरछा का उसके सामने हैं और यहाँ से आपको महल भी नजर आता है और ये है चतुर्भुज मंदिर का मुख्य द्वार। चलिए दोस्तों अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं और आपको यहाँ के चतुर्भुज मंदिर को घुमाते हैं। दोस्तों हमारे साथ में श्री रविशंकर तिवारी जी हैं जो ओरछा के चतुर्भुज मंदिर में पुजारी हैं। हम उनसे यहाँ के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे और दोस्तों आप तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। जी तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ
और इसके बाद मैं आपसे आशा करता हूँ कि हे महाराज जी, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कराएं। यहाँ के राजा मधुकर साय रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह, वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह हरदौल, ये 16वीं शताब्दी की बात है। रानी राम के भक्त थे, राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी हैं, एक भक्ति करो। रानी ने कहा, मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगी। तब राजा ने गुस्से से कह दिया कि सच्चे राम के भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आओ। रानी ने सोचा राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया। तो रानी राजा के सामने एक प्रतिज्ञा करती हैं कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे, या तो सरयू मैया में प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरयू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया, जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरयू मैया में प्राण त्यागने के लिए खूनी, तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा, रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटू। उनने की नहीं, हम आपको लेके जाएंगे, वरना वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा, जैसी प्रतिज्ञा से आप आई उसी प्रतिज्ञा से मैं चलूंगा। उनने कहा, आप बोलो हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा, पुख नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ रामराज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, सहन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को अहंकार हुआ कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठत बैठत दर्शन करेंगे। देखिए आप बुझरों का देखो, राजा चाहते थे कि भगवान के दर्शन में महल से करूँगा, लेकिन भगवान तो 3 लोक के अंतरामी। भगवान ने सोचा, मैं अयोध्या से चल रहा हूँ और राजा अपने महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया, वो राजा की रसोई है। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर वहीं बनवाना शुरू कर दिया। राजा कृष्ण के भक्त थे, तब राजा ने, हाँ, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण भगवान, तो ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से। वह रानी महल, जहांगीर महल, शीश महल, प्रवीण महल, थोड़े आगे बेतवा नदी जो भोपाल से निकली हुई है, कंचनघाट क्षत्रिय याददास के लिए ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौल जी का चबूतरा, 2 सावन भादों के नाम से खम्मा बोले जाते हैं, राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है, ये यहाँ का इतिहास है। इसीलिए अयोध्या में राम और ओरछा में राजा, राम राजा के रूप में सलामी दी जाती है, अन्य किसी राजा को सलामी नहीं दी जाती है। यहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जय जय श्री राम राजा सरकार। अच्छा गुरु जी, यहाँ के बारे में सुने कि यहाँ पे भगवान श्री राम जी को नित्य गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है, जी। उसका क्या इतिहास है? ये वहाँ से जब भगवान चले तो रानी से प्रतिज्ञा की थी कि वहाँ आपके राजा का राज नहीं रहेगा, मेरा राज्य रहेगा। इसीलिए राम अजी कि अयोध्या में राम और ओरछा में राजा राम, गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी जाती है। नित्य 4 सलामी लगती है जी। ओके गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे श्रोताओं को इतना अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए मैं आपका दिली आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही हम राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर घूमकर वापस आए तो हम यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके थे। ये है यहाँ पर तिवारी जी की कुटिया, यहाँ पर पूरी सब्जी हमने खाया है, जिसका रेट यहाँ पर 40 रुपये लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 40 रुपये में 6 पूरी, रायता और सब्जी सर्व किया जाता है। खाना हमने खाया था और टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा हमको, और मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड ज़रूर करना चाहूँगा। दोस्तों, अब यहाँ के श्री राम राजा सरकार एवं चतुर्भुज मंदिर घूमकर अब हम किले की तरफ जा रहे हैं।